मंकी अभी खुल गया है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ मंकी, क्या कर रहे हो? इधर की लाइट ऑफ है, चलो मंकी किधर गए, किधर चला गया मंकी, बोल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ओए साबस साबस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ मंकी आओ, ये साबस, चलो चलो ऊपर चढ़ गए, इधर इधर आओ, रुको 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 रुको, अरे साबस, रुको 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 रुको, ए रुको रुको, रुक जाओ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, फिर से छूट गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ आओ, ए मैं इसको बांध देता हूँ, तो मंकी को अभी बांध दिए हैं। कभी काल ऐसा होता है ना, ये अपने गले से पट्टा निकाल लेता है और भगने लगता है, पूरा मिनी जू में, मिनी जू में ना छोटे छोटे परिंदे हैं, हमारे राजा रानी हैं और मुर्गी हैं, और बसंती के चूजे किधर में है, बसंती के चूजे किधर में है, ओ देखिए बसंती उधर चूजे लेकर अपने बैठी हुई है, इधर में लेकर बैठी हुई है, तो इन पे मंकी हमला भी कर सकता है। मेरे ख्याल से मंकी जब खुला होगा ना तो अपने बच्चों को छुपा ली होगी, मुझे यही लग रहा है। और राजा रानी इधर में है, मेरे पास कमेंट आया कि भाई आपके राजा रानी कितने रुपए में लेकर आए थे, तो हमारे इधर ना ये बहुत ज्यादा ही महंगा मिला, 5000 रुपए में दो मैं लेकर आया हूँ। ये दोनों है राजा और रानी, और बच्चे ही है, अभी पूरा बड़ा नहीं मिला है। हमारे इधर कुछ भी मिलता नहीं है, वो भी बहुत कहने पर वो हमें दिए, जो हमारे बंटी और बबली हैं ये अंदर में ही हैं, इनको मैं इसलिए बाहर नहीं निकाल रहा, हमारा जो बंटी है ना उसका तबीयत खराब चल रहा है, और मुझे कमेंट आया कि आपके बबली ने बच्चे दिए हैं कि नहीं, तो अभी हमारी बबली ने बच्चे नहीं दिए, इनको भी बहुत जल्दी हम लोग ऊपर शिफ्ट करेंगे। और ये देखिए ये हमारी गोल्डन मुर्गी ने अंडे दिए हैं, तो इसको अभी हम इसमें रख देते हैं, इसमें अंडे हैं कि नहीं, अरे अंडे तो है इसमें, ये तो लाल अंडा है, ये तो मेरे ख्याल से हमारी कड़कनाथ मुर्गी ने अंडा दिए, चलो अच्छी बात है, हमारी कड़कनाथ मुर्गी भी अंडे देने लगी है। और मुझे कमेंट आया कि भाई आप डक्स ले आई हैं, बहुत जल्दी हम लोग लेकर आएंगे, हमारा फाउंटेन जब रेडी होगा ना तो उसके साथ हम लोग डक भी लेके आएंगे, फाउंटेन हम ऊपर लेकर चले जाएंगे और डक यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। थोड़ा मेरे साथ मजबूरी चल रहा है, इस वजह से मैं परिंदे नहीं लेकर आ रहा हूँ, कुछ दिन बाद हम लोग सब धीरे धीरे लेकर आ जाएंगे, जो आप कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आप लोग कमेंट करते हैं। तो अभी हमारे सभी परिंदे के पास फीड है, हमारी दो लाइटें भी खराब हो चुकी है, उसको भी बनवाना है, तो अभी चलते हैं हम अपने परिंदों के पास जो पीगोन केज ऊपर में है, क्योंकि उनको तो दाना हम लोग बाहर की में ही खिलाते हैं, थोड़ा बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि वो भागेंगे नहीं, नहीं तो अगर ऐसे हम पर खोल देंगे तो उड़ जाएंगे, तो इसलिए इनको तो सभी को फीड हम लोग दे रखे हैं, ये लोग घूम घूम खा रहा है, तो अभी हम लोग चलते हैं ऊपर में। हमने पानी बाहर में ही रखे हैं, फीड भी बाहर में ही है, इनको अभी खोल देते हैं। ये वाला तार हम इसलिए देकर रखते ना कि बिल्ली हमला भी करेगी तो खुलेगा नहीं, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फीड इनको दे देते हैं हम लोग, लो आओ 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आओ आओ, तभी ये लोग आ नहीं रहा है, मेरे ख्याल से ना अंदर में फीड गिरा हुआ है, ये लोग खाया है और इन लोग का ना पेट भरा हुआ है इसीलिए बाहर नहीं आ रहा है, वैसे हम लोग फीड डाल दिए हैं, जब इनका मन करेगा बाहर आके खा लेगा लो, जब तक मैं थोड़ा देर यहीं पे बैठता हूँ मौसम का आनंद लेता हूँ, वैसे हमारे दोस्त लोग ना उधर में मैच खेल रहे हैं, मुझे भी बुला रहे हैं पर मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अपने पीगोन को छोड़ के नहीं जा सकता ना, मैं जाऊँगा उधर तो इस पर बिल्ली लिए हमला कर सकती है, इस वजह से हम नहीं जाएंगे, अपने कबूतरों के साथ रहेंगे, इनको बाहर भी निकलना है तो निकल के अपना घूम लेंगे, अभी समय भी बहुत ज़्यादा ही है तो ये थोड़ा घूम लेंगे, फिर इसको हम शाम को बंद कर देंगे। हमारे दो कबूतर बाहर की तरफ में आ चुके हैं और हमने जो फीड दिए थे वो खा रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ आराम से और इन्हीं को नज़ारा देख रहा हूँ, जैसे फिल्म हम लोग देखते हैं वैसे मैं इन लोग को देख रहा हूँ, ऐसे ही मेरा टाइम पास हो रहा है। चलो चलो खा लो खा लो खा लो, अभी फीड ख़त्म हो जाएगा फिर हम इनको और डाल देंगे। उधर मैं फीड रख रखा हूँ, मैं इसको लेकर अपने पास बैठ जाता हूँ, ये चलो इधर आ जाओ, बैक यहाँ पे रख लेते हैं, जैसे ही ख़त्म होगा हम इनको डाल डाल के खिलाएंगे। खा लो खा लो खा लो।
अभी हमारे कबूतर ना खाकर और अंदर की तरफ चले गए हैं, तो अब ये फीड भी हम लोग अंदर में ही रख देते हैं और अपने कबूतरों को हम बंद कर देते हैं। सभी अपने दरबे में बैठे हुए हैं। मुझे कमेंट आया था कि भाई आप और भी ज़्यादा कबूतर ले आइए, तो हमारे दो कबूतर अभी मिनी जू के अंदर में है, वो भी अंडे पर हैं और बहुत जल्दी ये भी हमारे कबूतर अंडे देने वाले हैं। और मैं लोकल कबूतर नहीं ला सकता क्योंकि लोकल कबूतर मैं एक बार लेकर आया था वो भग गई, क्योंकि हम लोग मिनी जू के अंदर रखे थे उसको, एक हम दीवार तोड़कर बनाए थे कि अब बाहर आएंगे तो बाहर निकली और फुर हो गई, तो इस वजह से हम लोग लोकल कबूतर नहीं लेकर आएंगे, बाहर के कबूतर लेकर आएंगे। बाहर जब जाएंगे तो ले आएंगे और बाकी जब तक हम इन्हीं से ही जितना ब्रीडिंग होगा ज़्यादा से ज़्यादा ही ये लोग बच्चे निकालेंगे अब, क्योंकि इनको बिल्कुल आज़ादी मिलने वाला है। बस दो चार दिन और फिर हमारे कबूतर उड़ना चालू कर देंगे, तो अभी इनको हम लोग बंद कर देते हैं। पिताजी ने ना शाम के समय एक बकरी का बच्चा लेकर आए हैं जो कि इसके अंदर बंद है और बिल्कुल ही काला है ये। तो हमारा सिम्बा का साथी आ चुका है, ये हमारी हिरनी इधर में है। कैसी हो हैं मंकी? खुल गए थे, बहुत शैतानी कर रहे थे, अभी कैसे हो? जब भी आते हैं शैतानी करने लगता है। तो अभी हमारा कड़कनाथ मुर्गा भी उधर में है। सभी हमारे परिंदे ठीक ठाक है, राजा रानी जब भी देखो तो एक साथ में ही रहते हैं। किधर जा रहे हो? ये लोग कब अंडे देगा, कब जल्दी जल्दी बड़े होगा? बाहर घूमेंगे ना तब जाके बहुत जल्दी अंडे और बच्चे देंगे और बड़े भी होंगे। वैसे तो बड़े हो रहे हैं पर उनके शरीर में जो उन्नति होता है ना वो नहीं हो रहा है, जो बढ़ावा होता है वो सब नहीं हो पा रहा उसमें। और हमारा गब्बर अभी कैसा है? गब्बर जब भी आओ ना तो हमला ही करने के बारे में सोचता है। वैसे गब्बर नाम बहुत अच्छा है, जब भी देखो तो हमला ही करने के बारे में सोचता है। बहुत ज्यादा ही हमारा ये सिम्बा का साथी चिल्ला रहा है और साथ में ना सिम्बा भी इसी के साथ साथ चिल्लाया जा रहा है। क्या हो गया है? खोलेंगे, रुक जा, अभी शाम हो गया है। अभी शाम के समय इनको हम लोग बंद कर दिए हैं, फिर इनको कल खोलेंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगा हमारा सिम्बा का जो साथी है वो कैसा है। ये हमारा चूजना विकलांग है पर ये अपना ना खुद से ही सेवा कर रहा है, खा पी ले रहा है और बड़ा भी हो गया है, क्या ही कहे। ऐसा ऐसा चूजा देखने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है, कैसे चल रहा है, इसको हम कुछ कर भी नहीं सकते। रखे हैं इसको, जैसा इसका नसीब में होगा वैसे होगा, वैसे फीड और सब में है। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आप बहुत ज़्यादा ही गंदगी किए थे, बहुत ज़्यादा धूला उड़ा था। तो भाई मैं बता दो, हमारा जो फार्म है ना ये देखो, इसके नीचे ना ये सब मट्टी निकल जाता है ना, तो हम इसको सफाई करते हैं तो पूरा धूला उड़ता है। वैसे हम लोग सब खिड़की रख रखे हैं, हमारे परिंदों को कुछ उससे नुकसान नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि हाँ धूला उड़ने से ज़्यादा गंदगी होगा, हमारे परिंदों को नुकसान हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सभी को धीरे धीरे हम लोग बाहर शिफ्ट कर रहे हैं, बस हमारे डक भी लेकर आने वाले हैं जो कि इसमें रहेंगे, हमारी मुर्गियाँ इसमें रहेंगी, हमारा राजा रानी और हमारे बंटी और बबली, इन दो को हम ऊपर लेकर चले जाएंगे, फाउंटेन ऊपर लेकर चले जाएंगे, बाकी सारे परिंदे हमारे मिनी जू के अंदर में ही रहेंगे। तो अभी इनके पास सब ठीक ठाक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी रात हो चुका है, बाय दोस्तों।